पुलिस के दो सिपाही अपने परिवार को लेकर हरिद्वार में गंगा स्नान को जा रहे थे। कार का संतुलन खराब होने के कारण कार गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें दोनों सिपाही, तीन बच्चे, दोनों की पत्नियां गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को पुरकाजी पीएससी के बाद मुजफ्फरनगर के लिए रेफर कर दिया गया है। दरअसल दिल्ली का महेंद्रगढ़ का रहने वाला दीपक कुमार व रिंकू सिंह दोनों दिल्ली पुलिस में तैनात हैं। दोनों दोस्त अपने परिवार को लेकर ड्यूटी खत्म कर अपनी कार से हरिद्वार गंगा स्नान को जा रहे थे। जब कार सवार पुरकाजी बाईपास पर पहुंचे तो कार का संतुलन खराब हो गया और कार गहरी खाई में जा गिरी। कार में बैठे दोनों सिपाही समेत दोनों की पत्नियां व तीन मासूम बच्चे भी घायल हो गए। सूचना पर पुरकाजी थाने के SSI वीरेंद्र यादव मैं पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घायलों को कार से निकालकर पुरकाजी पीएससी पर भिजवाया, जहां पर चिकित्सकों की टीम ने उनका उपचार किया और गंभीर अवस्था में सभी को रेफर कर दिया गया। पुरकाजी पुलिस ने तुरंत मौके पर जाकर जहां घायलों को कार से निकालकर पीएससी भेजा तो वहीं पीएससी के चिकित्सकों ने अपनी ड्यूटी को बखूबी अंजाम दिया और घायलों को तुरंत उपचार किया और मासूम बच्चों की भी देखरेख करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी, जिसकी लोगों ने प्रशंसा